हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों को दीवाना कर देने वाली पॉपुलर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल हाल ही में चर्चा में आई, लेकिन दोस्तों अपने किसी भजन को लेकर नहीं बल्कि किसी और वजह से वो लाइमलाइट में बनी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि केरल की एक महिला ने अनुराधा की बेटी होने का दावा किया है। हमारी तरह आप भी जरूर शॉक्ड हो गए होंगे, लेकिन 1974 में जन्मी करमाला मोडेक्स का दावा है कि अनुराधा ने जन्म देने के बाद उसे पालने वाले माता पिता को सौंप दिया था। त्रिवंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए करमाला ने कहा कि अपने व्यस्त शेड्यूल की वजह से अनुराधा ने उन्हें नहीं पाला। करमाला मोडेक्स ने फैमिली कोर्ट में केस दायर कर अनुराधा की प्रॉपर्टी में हिस्सा और अपने बायोलॉजिकल पेरेंट से 50 करोड़ का कॉम्पेंसेशन भी मांगा है। महिला का दावा है कि जब वो 4 दिन की थी तब उनके माता पिता ने उन्हें उनको पालने वाले माता पिता पोन्नाचन और एग्नेस को दे दिया, क्योंकि व्यस्तता के कारण उन्हें करमाला के पालन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अब इस पूरे मामले में अनुराधा पौडवाल का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने इस पूरे मामले में बोला, मैं इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयानों पर सफाई नहीं देती, ये मेरी गरिमा से नीचे है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। वहीं अब अनुराधा के प्रवक्ता ने भी इस मामले में अपनी राय दी है। उन्होंने कहा, ये लड़की पागल है। अनुराधा की बेटी कविता का जन्म 1974 में हुआ था, इसलिए करमाला के दावे झूठे हैं। करमाला अनुराधा के पति का जिक्र कर रही है, लेकिन वो ये भी नहीं जानती कि उनका निधन हो चुका है। अगर करमाला अनुराधा की बेटी है तो उन्हें अनुराधा को पैसे देने चाहिए, न कि 50 करोड़ की डिमांड करनी चाहिए। आपको बता दें, हालांकि अब कोर्ट ने उन्हें बच्चों के सामने पेश करने को कहा है, जहां एक तरफ करमाला ने अनुराधा पौडवाल से कंपनसेशन के तौर पर 50 करोड़ रुपए मांगे हैं, साथ ही डीएनए टेस्ट की मांग भी की है। महिला ने अनुराधा के खिलाफ त्रिवंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में केस फाइल किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ सकता है।